एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आइए देखते हैं आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या हैं, यही देखने की कोशिश करेंगे आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस इंसान को विजुलाइज़ करते रहें जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और इस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी और सभी जोड़ियाँ साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। यहाँ हमने आप दोनों के लिए ही कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपके लिए जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वह हैं 7 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ सोर्स, और आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी फीलिंग्स की आपके पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में चल रही है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहते हैं। आप कंफ्यूज हैं किसी बात को लेकर, बट यहाँ पर कंफ्यूजन जो आपके इनके रिलेशनशिप को लेकर है आपके मन में, वो थर्ड पार्टी की वजह से है। यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की कुछ बातों से हर्ट हो गए हैं। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें आपको बोल दी हैं या आपने अपने पार्टनर को बोल दी हैं जिन बातों को आप भुला नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में ये जो कन्फ्यूज़न है ना, वो थर्ड पार्टी के आने के बाद से ही आया है। यानी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, और वो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके पर्सन के जीवन में एंटर हो चुकी है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर पर शक करने लगे हैं और हमेशा ही इस भ्रम में रहते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ में चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहा है आपको। तो इसकी वजह से आपका काफ़ी हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं। तो आपका जो मैरिड पार्टनर है जिसके साथ आपकी शादी हुई है, यानी कि आपका जो हस्बैंड या वाइफ है, उस पर आप शक करने लगे हैं। आपको ऐसा लगने लगा है कि ये जो आप दोनों के बीच दूरियां आ रही हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रही हैं। तो आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए यही है कि आपका पार्टनर आपको उतनी मोहब्बत, उतनी केयर या प्यार नहीं दे रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पर शक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके अगर पार्टनर की बात करी जाए ना, तो आपके पार्टनर के जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द डेविल। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, उसकी तरफ आपका पार्टनर फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक नई शुरुआत अपने जीवन की उसके साथ में कर चुके हैं। और यहाँ पर आपका पार्टनर फिज़िकली ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की कोई हैबिट है, कोई एक ऐसी आदत है जिसे ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के जीवन में, तो किसी किसी के लिए उनकी हैबिट ही है। यहाँ पर ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं और आपको खुश भी रखना चाहते हैं, खुश देखना भी चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो ये पर्सन स्टक है ना, वहाँ से भी ये निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, ये वहाँ रहना चाहते हैं। यानी कि आप दोनों को ही अपने जीवन में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर इस वक्त आपका पार्टनर आपसे दूर है, तो वो इसलिए है कि ताकि आप समझौता कर लें, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें थर्ड पार्टी के साथ में। तो आपका पर्सन थर्ड पार्टी को ना तो छोड़ना चाहता है और ना ही आपको छोड़ना चाहता है। यहाँ पर ये बात क्लियर यहाँ नज़र भी आ रही है, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स हैं, आपका पर्सन इमोशनली आपके लिए फ़ील करता है। ये पर्सन आपको धोखा नहीं देना चाहता, आपके साथ में कुछ भी अनजस्टिस नहीं करना चाहता, बट हाँ, थर्ड पार्टी की तरफ जो इसका फिज़िकली अट्रैक्शन है, वो इसे थर्ड पार्टी की तरफ ही ज़्यादा झुकाव महसूस करा रहा है। इसीलिए ये पर्सन आप दोनों को अपने जीवन में रखने के लिए सोच रहा है, और इस पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लिए हैं काफ़ी इमोशन से भरी हुई हैं। इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर ट्रू हैं, बट थर्ड पार्टी के लिए भी इस पर्सन के दिल में एक ख़ास जगह बन चुकी है। तो यहाँ पर ये पर्सन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहता, आपको भी नहीं छोड़ना चाहता है, बट आप यहाँ पर अपने पार्टनर से हर्ट हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर सिर्फ एक तरफ हो जाए, यानी कि या तो आपको चुन ले या फिर थर्ड पार्टी को चुन ले, बट ये पर्सन दोनों को ही अपने जीवन में रखने के बारे में सोचते हैं। और इस पर्सन की फीलिंग्स, तो मैंने कहा ना,
ट्रू हैं आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन आपसे फिज़िकली ना सही बट इमोशनल लेवल पर काफ़ी कनेक्टेड फील करता है, आपके लिए प्यार फील करता है। ओके व्यूअर्स, तो यदि आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, यही सब आपका पर्सन सोचता है आपके बारे में।